सो एवरीवन, हेयर इज माय सेकंड होम माइकल्स, जहां मेरा हमेशा चक्कर लगता ही रहता है, यू नो। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि माइकल्स में आपको क्या मिलेगा। यहां पे सारी क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, एंड दैट वाज रियली एक्सपेंसिव भी होती है। यहां पर कोई रीजनेबल प्राइस पे नहीं मिलती। हेलो, सो आई एम गोइंग टू एंटर इन टू द माइकल्स स्टोर, एंड हेयर इज द स्टोर। सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या लेना है ना, मुझे यहाँ पे लेना है रेजिन। मेरा रेजिन हो गया है ख़त्म, एंड इस बार मैं बड़ा वाला रेजिन लेने वाली हूँ, बिकॉज दैट सो मच यूज। सबसे पहले मैं कार्ट लेना भूल गई, आई हैव टू टेक द कार्ट ओवर देयर। ओके, सारी यहाँ पे ना सारी चीज़ें बनी हुई हैं, हर एक चीज़ें अच्छे से आपको ऊपर लिखा हुआ है कि क्या चीज़ें कहाँ पर मिलेगी। लाइक पेपर क्राफ्ट है और वुड की चीज़ें हैं, मतलब एवरीथिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट हैंडमेड, एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर हेयर। ओके, हेयर इज द फ्लावर जो कि मुझे प्रॉप्स चिपकाने होते हैं अपने क्राफ्ट को, एंड आई विल टेक इट फ्रॉम हियर। तो मुझे ये दो फ्लावर बहुत अच्छे लगे, एंड इसका जो प्राइस है मैं आपको बताती हूँ, इसका एक पर्टिकुलर प्राइस इसका है $6। आप देख रहे हो कि कितना सारा जो भी सामान होता है वो इतना एक्सपेंसिव होता है ना यहाँ पर, बट वी हैव टू टेक इट फ्रॉम हियर बिकॉज दैट्स अ वेरी गुड स्टोर, यू कैन टेक इट फ्रॉम एवरीथिंग फ्रॉम हियर। ओके, मुझे क्या लेना था, ओके मुझे यहाँ पे ना पॉम पॉम्स भी लेना है। सो बिकॉज आई एम planning to make a jewelry, so I think I should drop this plan right now because I have to do so many projects. तो मैं अपना पहले काम कहाँ से कर पाऊँगी जब मुझे इतने सारे projects already बनाने हैं। So here are the resin, I think. Okay. Resin. Yes, I got it. Pour on high gloss finish. Okay. So three text line. Pour on high gloss epoxy. टू मिक्स कर रही हूँ, इक्वल पार्ट्स ए और बी। हाँ ठीक है, दिस इज ऑल्सो गुड, बट इससे कोई बड़ा है क्या, बट आई थिंक दिस इज सफिशियंट। ओके, तो यहाँ मैंने ले लिया है ये रेजिन। कहाँ गई मेरी कार्ट? ओके, सो आई एम गोइंग टू पुट दिस रेजिन इन टू माई कार्ट, एंड या भाई मुझे एक चीज़ और लेनी थी, गोरिल्ला ग्लू। गोरिल्ला ग्लू इज़ दिस वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कुछ भी अगर आपको चिपकाना है या वुड पर मैं कुछ भी चिपकाना चाहती हूँ फॉर परमानेंटली, तो दिस गोरिल्ला गन एंड दिस रेजिन विल टोटली लॉक योर प्रोजेक्ट। नाउ द थर्ड वन इज आई हैव टू टेक द ब्राइट कलर्स, बिकॉज ब्राइट कलर्स जो आपके बोर्ड में जब लगते हैं ना, तो दैट लुक सो ब्यूटिफुल। तो ओके, डॉट्स वाले कलर भी यहाँ पर अवेलेबल हो गए हैं। ओके, दैट्स रियली वेरी कूल। ओके, मुझे यहाँ से लेना था ब्राइट कलर्स, ठीक है। तो आई थिंक मुझे इंडिविजुअली यहाँ से ब्राइट कलर चूज कर लेने चाहिए, राइट? लाइक आई विल टेक दिस ग्रीन कलर, एंड आई विल टेक दिस पिंक कलर बिकॉज आई रियली लव दिस पिंक कलर। दिस इज फोक आर्ट कलर, ठीक है। जो फोक आर्ट के कलर होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, एंड यहाँ पे सारे क्राफ्ट आर्ट के कलर भी है, वो भी मैं लेती हूँ। डेको आर्ट के कलर भी लेती हूँ, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। सो दीज आर द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सैम्पल्स ऑफ कलर्स एंड ब्राइट कलर्स, यू नो। तो यहाँ पर ये मैंने तीन कलर्स निकाले। यू नो, जब भी मैं आती हूँ मुझे लगता है कि मैं कलर्स हमेशा आकर ही लेती हूँ। पिंक कलर आई हैव डन विद द पिंक कलर, सो आई विल गो विद द ऑरेंज कलर। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी कलर्स ले लिए हैं, अब फिर भी देख रही हो कि कौन सा कलर कुछ छूट गया है, तो वो भी ले लो। ओके, आई थिंक आई हैव डन विद द कलर्स, सो आई विल शो यू द कलर्स। तो यहाँ पर मैंने ये ब्राइट कलर्स लिया है। यू नो, दीज ब्राइट कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर गोइंग टू मेक द हैंगिंग बोर्ड, यू नो। ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड पर्पल, पिंक हो गया। रेड नहीं लिया बिकॉज रेड ऑलरेडी मेरे पास है, तो आई थिंक रेड लेने की जरूरत नहीं है। इफ देर इज एनी समथिंग यूनिक कलर, तो यू कैन टेक ऑल्सो दैट,
दिस पिंक कलर, नो नीड, नो रिक्वायरमेंट ऑफ दिस ब्लू. मैंने दो ले लिए क्या एक जैसे? ये है ग्लॉसी एंड ये है नॉर्मल. ओके ठीक है, चलो चलेगा, ठीक है, अच्छा है. ओके चलो अब चलते हैं. और मुझे और क्या चाहिए, वुड का कुछ देखना है, मुझे वुड के प्लैंक्स देखने हैं. तो उस टाइम पे मैंने जो 6 वुड के प्लैंक्स मंगाए थे ना, वो तो सारे इंगेज हो गए मेरे, ठीक है. नाउ अब मैं देखती हूँ कि वो वुड के प्लैंक्स अभी यहाँ पर अवेलेबल है, नहीं तो मुझे फिर से उसको ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा. आई थिंक दोज वुड प्लैंक्स आर रियली नॉट अवेलेबल राइट नाउ, और मुझे फिर से उसको माइकल्स के स्टोर से ही ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा. बट दीज आर रियली वेरी गुड शेप. तो फाइनली मैं माइकल स्टोर से आ गई. आई एम सो टायर्ड राइट नाउ. तो पता है मैं क्या क्या लेकर आई हूँ माइकल स्टोर से? वही चीज़ जो मैंने आपको दिखाई थी, कलर्स एंड ऑल. दिस इज ऑल्सो द कलर, दिस इज फैब्रिक पेंट, और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं इफ़ यू आर डूइंग टू डू एनी क्राफ्ट. और अगेन दीज आर कलर्स. कलर्स तो मुझे लगता है कि बस जब भी जाओ तो कलर्स तो ले ही लेना है. एंड द गोरिल्ला एंड अगेन दिस फ्लावर स्टिकर. एंड ये मैंने लिया है क्ले. ये मेरे क्ले बहुत काम में आता है, मेरे हर एक प्रोजेक्ट में क्ले का काम होता है. तो जब भी मैं चाहती हूँ तो क्ले का एक पैकेट हमेशा ले लेती हूँ. ऑलरेडी रखा भी है मेरे पास क्ले का. एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है जो मैंने अपने लिए खरीदे हैं. तो दिस इज़ अनदर थिंग. तो दिस इज़ ऑलरेडी डिफरेंट थिंग, नॉट ओनली दिस थिंग.